मानहानी केस दे विच दिल्ली दे मैंबर ऑफ पार्लियामेंट संजय सिंह होए अमृतसर कोर्ट विच पेश। देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नू लिखी गई है अरविंद केजरीवाल वल्लों लैटर। एक पासे महात्मा गांधी अते दूसरे पासे होनी चाहीदी है गणेश अते पार्वती दी तस्वीर। सेहत खराब होण करके नहीं पहुँच सके कोर्ट विच विक्रम सिंह मजिठिया। अमृतसर तो गुरप्रीत सिंह दी रिपोर्ट, लाइव भारत। का केस किया था जिसकी आज तारीख थी, माननीय न्यायालय के सामने मैं प्रस्तुत हुआ और आज विक्रम मजीठिया को भी आना था न्यायालय, लेकिन वो आए नहीं। यहाँ हमारे वकील साहब ने अपना पक्ष रखा न्यायालय के सामने। अगली जो भी तारीख जज साहब देंगे उसमें मैं फिर हाजिर होऊंगा और न्याय में मेरी पूरी आस्था है, मुझे पूरा भरोसा है कि न्यायालय से हमें न्याय मिलेगा। सर, सुल्तान नशे के खिलाफ लड़ रहा है, आखिर ये बड़ा मुद्दा है, नशा है सबसे बड़ा मुद्दा है। अरे वकील साहब को तो सुन, देखो वकील साहब की बात तो सुनो। आज संजय सिंह जी की अपीयरेंस वास्ते केस रखा गया, मजीठिया साहब ने इन्होंने आइडेंटिफाई करना सीगा, क्योंकि मजीठिया साहब ने एक मेडिकल ग्राउंड तक उन्होंने सर्जरी कोई सर्जरी होने वाली है, इस कारण वो कोर्ट नहीं आ सके। इस ग्राउंड पर उन्होंने अपनी एग्जामिशन मूव की है। संजय सिंह जी हाजिर ने, संजय सिंह फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे तो हाजिर ने और असी पंजाब की जनता, पंजाब का यूथ संजय सिंह नु सल्यूट करता है। जो उन्होंने कहा सी वो आज पूरा हो चुका है, मैं बोलने की जरूरत नहीं है। सर, नशे के खिलाफ संजय सिंह लड़ाई लड़ रहा है। अरे संजय सिंह लड़ाई लड़ रहे हैं नशे के खिलाफ, सुल्तान के खिलाफ। आपको अपनी कोर्ट कचहरी के मामले में जितनी बातें मुझे बोलनी थी वो बोल दिया। आपके पास और कोई विषय हो तो आप पूछिए। पंजाब की सरकार पिछले कुछ महीनों में भगवंत मान जी ने जितना काम करके दिखाया, मैं समझता हूँ आजादी के बाद किसी सरकार ने पंजाब में उतना काम नहीं किया। 51 लाख परिवारों का जीरो बिजली का बिल आया, 300 यूनिट बिजली माफ की, 37,000 नौकरियां देने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, किसानों की समस्याओं का समाधान किया। कानून व्यवस्था क्या आप भूल गए पहले क्या हालत थी? गैंगस्टर बहुत ज्यादा हावी हो चुके हैं। गैंगस्टर्स पे कानून का राज यहाँ कायम करने पे दिन रात हमारी सरकार काम कर रही है। सर, 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 जो केजरीवाल ने, जो केजरीवाल ने आवाज जबरदस्ती, नोटों पर बता दीजिए, जो केजरीवाल ने बोला कि लक्ष्मी माता की और गणेश जी की। 1000 बार इसी बात को बोल चुका हूँ, फिर से दोहरा दे रहा हूँ। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने आज पत्र भी लिखा है भारत के प्रधानमंत्री को कि नोट के एक तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फोटो है, वो वैसे ही रहनी चाहिए, नोट की दूसरी तरफ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की फोटो होनी चाहिए, ऐसा उन्होंने पत्र लिखा है। अरे भाई, संजय सिंह आते मजीठिया साहब दोनों की हाजिरी जरूरी सी, मगर कुछ मेडिकल रीजन के कारण मजीठिया साहब ने एग्जामिशन मूव की है एप्लीकेशन, इस कारण कोर्ट ने नेक्स्ट डेट कोई हाले डिसाइड करेंगे कि डेट पानी है। तो तुहानू सारयां नू पता है कि डेफामेशन की कंप्लेंट केस है, किन्ने सालों तो चल रहा और संजय सिंह बेशक हाले तक कोर्ट ने एज एन अक्यूज उन्होंने समन किया है, वो हर तरीके आते हैं और मैंबर पार्लीमेंट होने के बावजूद भी वो मैक्सिम और पूरी कोशिश करते हैं कि हर तरीके कोर्ट से आते हैं, कोर्ट से यकीन करते हैं, उन्होंने पूरी उम्मीद है इतों जस्टिस मिलेगी और हूँ तो जस्टिस की उम्मीद होर साड़ी वध गई, क्योंकि एक एलीगेशन ही लगाया सी कि NDBS दे विच इनवॉल्व ने मजीठिया साहब, हूँ तो NDBS के केस के जेल से भी हो आया है, FIR दर्ज हो गई, सैशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने एंटीसपेटरी बेल कैंसल हुई है, वो बाद सरेंडर किया उन्होंने, वो बाद जुडिशल कस्टडी काफ़ी लंबा पीरियड लगा के आए हैं, हूँ सानू कुछ कहने की जरूरत नहीं है, हूँ तुम जनता। सर मजीठिया साहब मैं दसा मेडिकल ग्राउंड से उन्होंने एग्जामिशन एप्लीकेशन मूव की है और मैं तो पंजाब की जनता को कहांगे कि सल्यूट करो संजय सिंह नूं, वो पंजाब के भी नहीं, पंजाब के रहने वाले भी नहीं है, फिर भी उस बंदे ने पंजाब के यूथ को बचाने वास्ते नशे तो बचाने वास्ते तो रोज़ देखते हो, रोज़ नशे के साथ कितना यूथ मर रहा, अगर ये खिलाफ कोई आवाज़ तो बुलंद करे ना। नहीं, माफ़ी मंगन का तो हम सवाल ही नहीं पैदा होता, जिहड़ा शख्स पिछले कई सालों तो यह लड़ाई लड़ रहा और डरिया नहीं,
वो सरकार च भी रहे 10 साल अकाली दल सरकार च रहे हैं, कांग्रेस भी उन्होंने सरकार से मिली जुली सरकार से, इस कारण उन्होंने भी कोई इन्वेस्टिगेशन 5 साल मजीठिया साहब के खिलाफ कोई कुछ किया नहीं। लास्ट से जान लग्या जो रौला पिया तो फिर हालांकि यह सारिया फाइलों जिहड़ियां हाई कोर्ट के पेंडिंग है, हाई कोर्ट के STF की रिपोर्ट भी लगी है, ED की रिपोर्ट भी लगी है, साड़ी समाज सेवक होर कि संस्थावं जिन्हों की रिपोर्ट्स लगी हैं, साढ़े पुराने DGP साहब की रिपोर्ट लगी है, इन्ने जे बॉडीज़ ने इन्वेस्टिगेशन किया, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, अलग अलग एजेंसियों ने इन्वेस्टिगेशन किया, वो सारिया बोलदिया पई हैं, वो सारिया बोलदी पे जनता के सामने। और मैं तो कहूँगा कि सल्यूट करो तुसी, शुक्रिया। नैक्सट डेट फिक्स होनी है जी, हाले कोर्ट ने फिक्स करनी है। थैंक यू वेरी मच।